हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्याजी करेला। यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं प्याजी करेला। फ्रेंड्स, प्याजी करेला बनाने के लिए सबसे पहले हम करेलों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम इन करेलों को छिलके को उतार लेंगे। देखिए फ्रेंड, एक एक करेले के छिलके को हमने कैसे अलग अलग कर लिया है। देखिए फ्रेंड, हमने सारे करेले के छिलकों को अलग कर लिया है और छिलकों को अलग बाउल में रख लिया है। अब इन करेले को हम बीच में से काट कर सारे बीज निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, किस तरह से करेलों के बीज निकाल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये करेले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे करेलों के बीज निकाल दिए हैं। अब हम इन करेलों में नमक लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं किस तरह से नमक लगा रही हूँ। आप करेलों में अंदर और बाहर दोनों साइड नमक लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे करेलों में नमक लग चुका है। अब फ्रेंड्स, हम ये जो हमने छिलका उतारा था, अब हमने इसमें भी नमक डालकर रख देना है। फ्रेंड्स, अब हमें इन्हें 1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देना है। देखिए फ्रेंड, करेलों ने पानी छोड़ दिया है और अब हम इन्हें सादे पानी से धो धोकर रख देंगे। इससे फ्रेंड्स, करेले का जो कड़वापन होता है ऑलमोस्ट निकल जाता है। हम एक एक करेले को इसी तरह से धोकर अलग प्लेट में रखते रहेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने सारे करेले धो लिए हैं। अब हम ये जो छिलके थे इन्हें भी अच्छे से वॉश कर लेंगे और एक छलनी से छान लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने करेलों को छोटे छोटे बाइट्स में कट कर लिया है और हमने एक छोटी आम भी ली थी जिन्हें हमने कस ली है। हमने आधा किलो करेले में आधा किलो प्याज का यूज़ किया है। अब हमने गैस पे कढ़ाई रखी, उसमें सरसों का तेल डाला। फ्रेंड्स, सरसों का तेल करेलों में बहुत स्वाद लाता है। अब हमने सरसों के तेल गर्म हो जाने पर हल्का सा जीरा डाला है, थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब उसमें प्याज डाल देंगे और मिलाएंगे। अब फ्रेंड, हम इसमें मसाले डालेंगे। हमने हल्की सी रंग की मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा धनिया डाला है, थोड़ी सी खटाई, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। लाल मिर्च और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें।
अब फ्रेंड्स इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब फ्रेंड्स जब ये प्याज तेल छोड़ दे तब हम इसमें करेले के टुकड़े जो हमने करेले कट किए हैं वो डाल देंगे और जो हमने छिलके उतारे थे वो डाल देंगे और आम भी और करेले के पीसेस डालकर इसे ढक देंगे। देखिए फ्रेंड हमने कितना अच्छा कलर आया है करेलों का। अब फ्रेंड हम इन्हें बीच बीच में चेक करते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड ऑलमोस्ट करेले रेडी हैं। देखिए फ्रेंड हमारे करेले रेडी हो चुके हैं। ये करेले की सब्जी या करेले प्याजा आप रोटी से पराठे से फुलके से भी खा सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।